सूरजपुर जिले में समितियों से धान उठाव का काम जोर पर चल रहा है, लेकिन समिति प्रबंधक धान के वजन में अनियमितता को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। समिति प्रबंधकों ने दावा किया कि पिछले कई दिनों से शासकीय तोल और मिलरों के तोल में फर्क आ रहा है। प्रशासन ने निर्देश जारी किया है कि धान समितियों से निकलने के बाद मिलर्स के काटा में धान के वजन को मान्य किया जाएगा। धान समिति प्रबंधकों का कहना है कि समितियों से शासकीय काटा में तोल करने के बाद लोड कर भेज दिया जाता है, लेकिन मिलर्स के कांटे में 9 से 10 क्विंटल वजन कम आता है, जिससे रोजाना समितियों में धान की शॉर्टेज पड़ गई है। ऐसे में धान की भरपाई समिति प्रबंधक को करना पड़ेगी या फिर समिति प्रबंधक पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। और आज जानकारी प्राप्त हुआ कि समिति नौगई से एक गाड़ी परिवहन आ रही है, तो हम सूरजपुर के समिति प्रबंधक मोहन को बोले कि आप जो गाड़ी आ रही है बिहारपुर से, उसको आप दो जगह धर्मकांटा करवाएं, क्योंकि लगातार खबर मिल रहा था कि समिति से जो धान परिवहन हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा शॉर्टेज आ रहा है। तो नागरिक आपूर्ति द्वारा जो कांटा लगाया गया है उसमें करवाया गया और मित्तल राइस मिल के धर्मकांटा में वजन करवाया गया, जिसमें 9 क्विंटल का डिफरेंस आया है, जिसके लिए हम समस्त जिला के कर्मचारी उपस्थित हुए कि ये स्थिति कहाँ से निर्मित हुआ कि ये वजन क्यों शॉर्टेज कम हुआ। इसी को सुधार के लिए आज हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, क्योंकि हर गाड़ी में अगर 9 क्विंटल शॉर्टेज आता है तो बहुत बड़ा नुकसान समिति के ऊपर भार पड़ सकता है। नौगई समिति से आज धान का परिवहन किया जा रहा था, लगातार हमारे सोसाइटी कर्मचारी भाइयों के द्वारा मुझे सूचना देकर बताया जा रहा था कि धान को कमी बताकर सोसाइटी प्रबंधकों से मिलरों के द्वारा पैसा वसूली किया जा रहा है। तो उसी के संबंध में आज एक गाड़ी को हम लोगों के द्वारा सरकारी धर्मकांटा में तौलाया गया, नागरिक आपूर्ति के धर्मकांटा में तौलाया गया। उसका वजन और जो राइस मिलर हैं उनके वजन में 9.5 क्विंटल का फर्क आ गया, और एक गाड़ी में अगर मान लीजिए 10 क्विंटल का फर्क आ रहा है तो सीधे सीधे 25,000 रुपया का समिति कर्मचारी के ऊपर भार पड़ रहा है। तो छोटा सा कर्मचारी एक तो धान को लेकर खुद ऐसे ही परेशान है, और 25,000 रुपया हर ट्रिप में अगर उनको दंडित किया जाएगा तो कहाँ से भर पाएगा। इसी तरह बहुत दुख भरा मतलब बात हो गया है।